नमस्कार दोस्तों दोस्तों फिर से हमारे नए एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्रिल है। ये ग्रिल में हमको साटन एनामिल करना है। तो साटन एनामिल हमको इसको स्प्रे द्वारा करना है, यानी पाउडर कोटिंग कैसे होती है उस तरह से इसमें करना है। तो ये साटन एनामिल हमने माल बना लिया, एनसी थिनर इसमें डालना है, इसमें तार पिन नहीं डालना, नहीं तो माल बहने लगेगा। इसलिए इसमें एनसी थिनर का प्रयोग करेंगे और फिर इसको स्प्रे द्वारा हमको साटन का इसमें कोटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह इसमें साटन की कोटिंग कर देनी है। तो इस तरह ये साटन की कोटिंग होगी, जो ये अभी चमकेगी लेकिन जब ये सूख जाएगा पूरी तरह से मैट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह इसमें डालना है। तो दोस्तों यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि पेंट से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे सारे मिलते रहें। तो इसमें तो इस तरह इसको एक एक जो सरिया है ग्रिल की उसमें सारे में एक एक करके सब में डालना है, क्योंकि ये घनी नहीं होती, लगातार नहीं डालना। इसमें एक एक सरिया करके आपको घूम के चारों तरफ से माल इसमें ग्रिल में डालना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। और एक साइड डालने के बाद आपको इसको उल्टा करके भी उस साइड से भी डालना पड़ेगा। दोनों तरफ से आप इसमें डालेंगे ग्रिल में पेंट, तभी पूरी तरह से इसमें पूरा होगा। तो इस तरह से एक एक सरिया आपको मिला के डाल देना पूरे में माल बराबर करके। ये देखिए, ऐसे कहीं भी छूटने न पाए, पूरे में माल इसको स्प्रे द्वारा ऐसे ही डाल देना है। देखिए, ऐसे मिला के पूरे में, ऐसे एक साइड से एक तरफ से पूरे में माल आड़ा टेढ़ा करके डाल के पूरी सरिया में चारों, यानी सरिया हमारी चारों तरफ से पेंट पड़ जाए इसमें, तो इस तरह से डालना है। ये देखिए, अब इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करके सूख जाने के बाद थोड़ा और उल्टा करके फिर उल्टी साइड से भी हमको उसी तरह बराबर से माल डाल देना है। ये देखिए, इसी तरह माल डाल के इसको कंप्लीट कर देना है। तो ऐसे ही बराबर से डालना है, ये पाउडर कोटिंग की तरह हो जाएगा बिल्कुल। आपको इसमें जैसे ही सूख जाएगा इसकी चमक सारी खत्म हो जाएगी, ये पूरी तरह से मैट हो जाएगा। तो ये साटन मैट है तो ये मैट हो जाता है, साटन का पेंट इसमें चमक नहीं रह जाती। तो आपकी कैसी भी ग्रिल हो या लोहे का कोई भी चीज हो, ऐसे ही साटन का इनामिल करना है स्प्रे द्वारा, उसमें एनसी थिनर मिलाना है, या आप सिंथेटिक थिनर भी उसमें डाल सकते हैं या एनसी थिनर से करें, जैसे आप करना चाहें वैसे करें। देखिए, ऐसी लुक आएगी जब ये पूरी तरह से इसमें पेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।